Good morning, students. Welcome to the lecture of manufacturing technology. In the unit 4 today we will learn the unconventional machining process. We were already working on the we are already discussing the machining processes, unconventional machining process, in which there is no direct contact between the tool and the workpiece. So आपके सामने एक और यहाँ पर working process है जो कि है plasma arc machining. Now this can be considered as machining or welding. Here the material, यहाँ पर हम material को remove कर रहे हैं, machine कर रहे हैं with the help of a plasma arc. Plasma के through हम यहाँ पर arc को produce कर रहे हैं. Plasma arc का use करके हम यहाँ पर material को mold कर रहे हैं. तो plasma arc welding क्या होता है, सबसे पहले तो उसको समझते हैं हम यहाँ पर. तो plasma arc welding is a liquid state welding process in which the metal to metal joint forms in molten state. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग इज अ लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग है जिसके अंदर हम दो पार्ट्स को जॉइंट करने के लिए या मेल्ट करने के लिए यहाँ पर हम प्लाज्मा का यूज़ करते हैं. द हॉट आयनाइज गैसेस आर नोन एज प्लाज्मा. जो हॉट आयनाइज गैसेस हम यहाँ पर यूज़ करते हैं उसको हम प्लाज्मा कहते हैं. दीज हॉट आयनाइज गैसेज यूज टू हीट द वर्क प्लेट्स एंड द जॉइंट इज क्रिएटेड ड्यू टू फ्यूजन. तो फ्यूजन के थ्रू यहाँ पर हम जॉइंट्स क्रिएट करते हैं. दिस वेल्डिंग प्रोसेस इज सेम एज TIG, जैसे आपने पढ़ा होगा पहले टंगस्टन इंसर्ट गैस वेल्डिंग, उसी प्रोसेस की तरह यहाँ पर हम प्लाज्मा का यूज़ करते हैं टंगस्टन की जगह पर. फिल्टर मटीरियल में और मे नॉट बी यूज इन दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग. वन बिग एडवांटेज ऑफ प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग इज दैट इट यूजेज लेस करेंट इनपुट कम्पेयर टू TIG और MIG प्रोसेस फ्रॉम प्रोड्यूसिंग सेम हीट. तो इसका प्रिंसिपल क्या है इसको हम समझते हैं. तो कैसे काम करता है, कौन से प्रिंसिपल पर. द हॉट आयनाइज गैसेज आर नोन एज प्लाज्मा. जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि हॉट आयनाइज गैसेज प्लाज्मा कहलाती है. वेन अ सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड टू एनी इनर्ट गैस, सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन ब्रेक्स फ्री फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस बट ट्रेवल विथ इट. After the electron leave, the atom are converted into hot ionized state. It is most common state of matter which is known as fourth state of matter. These ionized atoms have high heat content which is further used to join two plates. तो हम यहाँ पर अगर देखें तो hot ionized gases को हम plasma कहते हैं और एक sufficient amount की energy हम यहाँ पर provide करते हैं जिससे कुछ electrons टूट जाते हैं और टूटने के कारण यहाँ पर न्यूक्लियस ट्रैवल करता रहता है और इलेक्ट्रॉन्स टूट जाते हैं जिसके कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है और इस हीट का यूज़ हम मैटर को या वर्कपीस को मोल्ड करने के लिए या जॉइंट करने के लिए कर सकते हैं. दिस इज़ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग. दिस वेल्डिंग इज एक्सटेंडेड फ्रॉम TIG वेल्डिंग इन विच अ नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड इज यूज टू प्रोड्यूस आर्क. This arc heats up the inert gases which are provided from inner orifice around tungsten electrode. The heating temperature is about 30,000 degrees centigrade at which the gases converts into ionized form. This hot ionized gas further used to create the welding joint by fusion. तो ये पूरा प्रिंसिपल था, वर्किंग प्रिंसिपल था कैसे प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग यहाँ पर काम करती है. देखिए यहाँ पर बहुत सारी गैसेस हैं. इस डायग्राम को अगर आप समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारी गैसेस हैं और ये जो गैसेस हैं ये गैसेस हम इस पर चार्ज दे रहे हैं जिससे इसके इलेक्ट्रॉन टूट रहे हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी जनरेट हो रही है और हम यहाँ पर टंगस्टन का इलेक्ट्रॉड भी दे रहे हैं और ये इनर नोजल है जो कि यहाँ पर स्प्रे कर रहा है इस इन गैसेस को. दिस इज़ द आउटर नोजल. ये गैसेस यहाँ से पास होकर के इधर से जा रही है. नाउ शील्ड गैसेस, तो यहाँ पर शील्ड गैसेस हैं और यहाँ पर हम ये इसका प्लाज्मा का यूज़ करके मटेरियल को फिनिश कर रहे हैं, मशीन कर रहे हैं या जॉइंट कर रहे हैं. तो दिस इज़ द प्रिंसिपल. अब अगर हम इक्विपमेंट की बात करें यहाँ पर तो इक्विपमेंट्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं. इक्विपमेंट मतलब पूरा का पूरा जो सेटअप है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें. तो सबसे पहले पावर सोर्स, हमें हर जगह पावर की रिक्वायरमेंट होती है. तो मोस्ट ऑफ द केसेस वेल्डिंग में हम DC का उपयोग करते हैं, डायरेक्ट करंट का उपयोग करते हैं. तो ये है DC और
अच्छी वर्किंग के लिए यहाँ पर 80 वोल्ट का अगर कॉन्स्टेंट करंट हम सप्लाई करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन हम करंट यहाँ पर वोल्ट को 300 वोल्ट तक भी एम्पियर्स को 300 एम्पियर तक कर सकते हैं, और वोल्ट्स अगर हम रेगुलेट करें तो यहाँ पर 80 वोल्ट्स के लिए हमें अच्छा प्लाज्मा मिल जाता है। सॉरी, आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज़ द डायरेक्शन ट्रैवल। ये एक हमारे पास गन है, ये गन इधर इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ये करंट केबल है जिससे हम करंट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। वाटर इनलेट एंड आउटलेट पाइप फॉर टॉर्च कूलिंग, शील्ड गैस पाइप, कलेक्ट फॉर हैंडल इलेक्ट्रोड, टंगस्टन इलेक्ट्रोड, गैसेज शील्ड आर्क। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर गैस नोजल है, ये गैस नोजल है जो कि यहाँ पर प्लाज्मा की स्ट्राइकिंग बम्बार्डिंग कराता है, या फिर प्लाज्मा की गन हम कह सकते हैं इसको। नाउ दिस इज फिलर वायर। अगर हमें कोई ऐसा मटेरियल देना है जो वेल्डिंग करने के लिए यहाँ पर फिलर का काम कर सकते, तो फिलर वायर भी हम यहाँ पर दे रहे हैं। और दिस इज़ द गाइड। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। दिस इज़ द वर्किंग डायग्राम ऑफ द प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। नाउ यहाँ पर हमारे पास प्लाज्मा आर्क टॉर्च है, जैसा कि मैंने आपको बताया। दिस टॉर्च विल प्रोजेक्ट अ गन, प्रोजेक्ट बीम लाइक अ बीम जो कि नोजल से निकल रही है। नाउ शील्ड एंड प्लाज्मा गैस सप्लाई, तो हमें यहाँ पर शील्ड और प्लाज्मा गैस सप्लाई देना पड़ता है। फिलर मटेरियल जो कि हमें फिल करना पड़ता है दो पार्ट्स के बीच में, जिनके बीच में हमें ज्वाइनिंग करानी है, या फिर अगर हम मशीनिंग कर रहे हैं, होल कर रहे हैं, तो भी हमें यहाँ पर फिलर मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती। नाउ दिस इज़ द वर्किंग। ऑलरेडी मैं आपको वर्किंग समझा चुका हूँ। फर्स्ट द वर्क पीस आर प्रॉपरली क्लीन्ड, द पावर सोर्स सप्लाई पावर विच प्रोड्यूसेस आर्क बिटवीन टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड नोजल, और टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस। नाउ द टंगस्टन इलेक्ट्रोड गिव्स अ हाई इंटेंस आर्क विच इज़ यूज टू आयनाइज ऑफ आयनाइजेशन ऑफ गैस पार्टिकल्स एंड कन्वर्ट ऑरिफिस गैसेस इनटू प्लाज्मा। तो हम प्लाज्मा यहाँ पर जनरेट करते हैं। देन द शील्ड गैसेस लाइक आर्गन एक्सेट्रा आर सप्लाइड थ्रू प्रेशर वॉल्व एंड रेगुलेटिंग वॉल्व टू द आउटर नोजल और वेल्डिंग टॉर्च। तो ये जो शील्ड में हम ट्रांसफ़र करते हैं इन गैसेस को जो कि प्लाज्मा कहलाती है, दीज गैसेस क्रिएट्स अ शील्ड अराउंड द वेल्डिंग एरिया विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम एटमोसफियर गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो हम एक शील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि एम्बियंट इफेक्ट से इसको सेफ रखता है प्लाज्मा आर्क को। द प्लाज्मा स्ट्राइक्स द वेल्डिंग प्लेट्स एंड फ्यूजेज इट इन टू वन पीस। नेक्स्ट द वेल्डिंग टॉर्च इज मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द वेल्डिंग। तो आप सभी ने देखा है जैसे हम एसी वेल्डिंग करते हैं, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करते हैं, सेम प्रोसेस है, बट यहाँ पर हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं प्लाज्मा का, और शील्ड के लिए हम अलग गैसेस का यूज़ कर रहे हैं जिसमें इनलेट नोजल और आउटलेट नोजल का हम यूज़ करते हैं। इफ़ द वेल्ड रिक्वायर्ड फिलर मटीरियल इट इज़ फेड बाय वेल्डर मैनुअली। तो दिस इज़ दी वर्किंग। नाउ दिस होल प्रोसेस ऑफ प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, दिस इज़ दी टोटल प्रोसेस ऑफ प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। एप्लीकेशन यहाँ इसको हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये कहाँ कहाँ पर यूज़फुल है, तो अगर हम देखें तो सबसे पहले दिस वेल्डिंग इज़ यूज इन मरीन एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। मरीन और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पर हमें बहुत अच्छे वेल्ड्स करने होते हैं वहाँ पर हमें इसको यूज़ करना होता है, क्योंकि इससे जो वेल्ड मिलता है वो बहुत फिनिश्ड मिलता है। इट इज़ यूज टू वेल्ड पाइप्स एंड ट्यूब्स ऑफ स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम। तो बहुत प्रिसाइज यहाँ पे वर्किंग होती है, और हम देख सकते हैं यहाँ पर 100% जो जेन्युइन मटेरियल्स हैं, हार्ड मटेरियल्स हैं, उन पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पाइप्स पे भी हम सॉफ्ट मटेरियल पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ मोस्टली यूज इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ बहुत सॉफ्ट वर्किंग वहाँ करनी पड़ती है, तो वहाँ पर भी हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू रिपेयर टूल्स, डाई एंड मोल्ड्स। तो टूल, डाइस और मोल्ड जहाँ पर छोटे 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 डिफेक्ट्स आ जाते हैं उनको हमें मोल्ड करना है, उनको हमें सही करना है, तो वहाँ पर भी हम प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू वेल्ड और कोट ऑन टर्बाइन ब्लेड्स। तो बहुत सारी जगहों पर हमें कोट्स देना पड़ता है, एक लेयर प्रोवाइड करनी पड़ती है टर्बाइन ब्लेड्स पर, या कोटिंग करनी पड़ती है अगर किसी सर्फेस पर, तो वहाँ पर भी हम इस प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का उपयोग कर सकते हैं।
नाउ देर आर सम एडवांटेजेस, जैसा कि हमने देखा अभी तक तो जितनी भी प्रोसेस हमने पढ़ी अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस, सब में कुछ ना कुछ एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ एडवांटेजेस हैं। हाई वेल्डिंग स्पीड, तो बहुत जल्दी जल्दी हम यहाँ पर वेल्ड कर सकते हैं। हाई एनर्जी अवेलेबल फॉर वेल्डिंग, इट कैन बी इजीली यूज टू वेल्ड हार्ड एंड थिक वर्क पीसेज। द डिस्टेंस बिटवीन टूल एंड द वर्क पीस डज नॉट इफेक्ट्स द आर्क फॉर्मेशन। लो पावर कंजम्पशन फॉर सेम साइज वेल्ड, मोर स्टेबल आर्क प्रोड्यूस बाय PAW मैथड, हाई इंटेंस आर्क और हाई पेनिट्रेशन रेट, इट कैन वर्क एट लो एम्परेज, बहुत कम एम्पियर पे भी हम इसमें काम कर सकते हैं। नाउ डिसएडवांटेजेस, तो कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, हम इसको वो भी हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। जैसे पहला, हायर इक्विपमेंट कॉस्ट, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है पूरा सेटअप एज कम्पेयर टू अदर वेल्डिंग प्रोसेसेस। नॉइजी ऑपरेशन, क्योंकि गैस फ्लो हो रही है शील्ड में, हम इसको वर्क कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है। मोर रेडिएशन, बहुत ज़्यादा रेडिएशन है, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं कि ये रेडिएशन आपको इफेक्ट ना करें। हाई स्किल लेबर रिक्वायर्ड, तो बहुत ज़्यादा हाई स्किल लेबर हमें रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि अदर वेल्डिंग प्रोसेस की तरह यहाँ पर फास्ट तो काम मिलता है, लेकिन अगर हमने इस पर ध्यान नहीं रखा तो कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हाई स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट है ताकि हमें प्रिसाइज वेल्डिंग मिले। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, तो अगर ये पूरा सेटअप में कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है तो इसका मेंटेनेंस करना बहुत मुश्किल होता है। तो दिस इज दीज आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, और एडवांटेजेस क्या है, तो इसका वर्किंग डायग्राम कैसा है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो आज के लेक्चर में हमने कवर किया प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग को। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर एंड आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द नोट्स ऑफ द सेम ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। सो दिस इज सफिशियंट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, प्लीज़ स्टे एट होम।